शिव शक्ति सेवा समिति द्वारा शिव संतोषी मंदिर कैंप 1 से बाबा महाकाल की विशाल पालकी यात्रा 1 मार्च को निकाली जा रही है। पालकी यात्रा में विभिन्न देवी देवताओं की झांकियों के साथ अन्य आकर्षण के केंद्र होंगे। 2 मार्च को समिति द्वारा मंदिर के समीप भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। शिव शक्ति सेवा समिति द्वारा शिव संतोषी मंदिर 3 दर्शन मंदिर परिसर से लगातार दूसरे वर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर 1 मार्च को बाबा महाकाल की विशाल पालकी यात्रा निकाली जा रही है। समिति के अध्यक्ष सौरभ जायसवाल ने बताया कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष पालकी यात्रा को भव्यता से निकाला जाएगा। कैंप सुपेला रामनगर पावर हाउस से होते हुए पालकी यात्रा का समापन वापस मंदिर परिसर में होगा। पालकी यात्रा में विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाएँ झांकियाँ भक्तों के आकर्षण का केंद्र होंगी। सौरभ जायसवाल ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी। 1 मार्च महाशिवरात्रि के कार्यक्रम हो रहा बाबा महाकाल जी की पालकी यात्रा निकल रही है कैंप और तिलेश्वर मंदिर शिव संतोषी मंदिर से। बाबा महाकाल जी की पालकी यात्रा हमारे मंदिर शिव संतोषी मंदिर से निकाला जा रहा है और इस पूरे कैंप क्षेत्र में और बाबा महाकाल जी की पालकी यात्रा दूसरा वर्ष है हमारा ये, और बहुत ही अच्छे से कार्यक्रम बहुत ही भव्य होने वाला है इस बार। और जितने भी झांकी और जितने भी प्रकार के हमारे छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम हैं सब इस झांकी में दर्शाया जाएगा और बाबा महाकाल जी की पालकी यात्रा पूरे कैंप क्षेत्र में और पूरे रामनगर पूरे सुपेला क्षेत्र में भ्रमण करेंगे बाबा महाकाल जी की पालकी यात्रा इस कार्यक्रम को करने के लिए। और बाबा महाकाल जी की पालकी यात्रा में हमारा भव्य ही बहुत ज़्यादा ही भव्य है इस बार, जैसे कि पिछले बार रहा था कार्यक्रम उससे बहुत अच्छा इस बार है। इस आयोजन के पीछे हमारा कुछ उद्देश्य नहीं है, बस एक महाकाल जी की भक्ति हमारे अंदर है जो मैं सबके अंदर देखना चाहता हूँ, और कोई भी अगर देखे हमें तो बस यही बोले जय श्री महाकाल भाई, और सबके मुंह से यही सुनना चाहता हूँ मैं कि जय श्री महाकाल जय श्री महाकाल। और ये भक्ति भावना हमारे महाकाल जी के लिए है और सबके मन में यही लाना चाहता हूँ कि बस एक हमारे तरफ से हो छोटा सा कोशिश करें कि बस जो भी देखे हमें महाकाल जी की भक्ति हमारे साथ रहे। 2 मार्च को विशाल महाभंडारे का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया है। समिति पदाधिकारियों ने शहरवासियों से बाबा की पालकी यात्रा में शामिल होने की अपील की है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।